से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द रिगार्डिंग फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। नाउ इसमें हम ये यूज़ करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस सिस्टम्स। नाउ इंट्रोडक्शन, इन टूडेज वर्ल्ड वेयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली चेंजिंग, मीन्स आज के टाइमिंग में जहाँ पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी टेक्नोलॉजीज लगातार चेंज हो रही हैं। मैनी कंप्यूटिंग एप्लीकेशन डील विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत सारे डेटा को आपके पास क्या करती हैं, उसके साथ डील करती हैं। एज द यूज़र एप्लीकेशन हैज चेंज सिग्निफिकेंटली इन लास्ट फ्यू डिकेड, मतलब पिछले कुछ दशकों में जो यूज़र एप्लीकेशन लगातार चेंज हुई हैं, देयर इज़ ए चैलेंज टू स्टोर दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीन्स हमारा जो आज के दिन जो डेटा है, बहुत सारा डेटा लगातार आपके पास स्टोर होता चला जा रहा है, तो हाउ टू हैंडल द डेटा, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, हाउ टू यू विल बी सेव द टाइम, ये कुछ आपके पास बेसिकली कुछ चैलेंजेस रहे हैं जो सोल्व में। बेसिकली एक पैकेज है डेटाबेस सिस्टम, उसमें जाकर के चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। दिस कैन बी अचीव टूडे बाय मेकिंग यूज सर्विसेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। द जॉब ऑफ DBMS सिस्टम इज़ टू कलेक्ट द डेटा, मतलब इसका जो रोल है वो क्या है बेसिकली, यानी अगर हम डेटाबेस को समझे तो क्या समझेंगे कि इसमें आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इन द किस मैनर में यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली टेबलर फॉर्मेट में इकट्ठा कर सकते हैं जिसमें आपके पास कॉलम है, रो हैं, और इस डेटा को आगे इन फ्यूचर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किया जा सकता है। मीन्स जो डेटाबेस पैकेज है वो हमारा एक तरीके से बैकएंड पैकेज है। बैकएंड पैकेज वो पैकेज होते हैं जहाँ पर आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं जो यूज़र को दिखाई नहीं देता, मतलब यूज़र सिर्फ अपने डेटा को रिट्रीव कर सकता है, बट वो डायरेक्टली बेसिकली किसी भी डेटाबेस पैकेज में काम नहीं करता है, मतलब उसको काम करने के लिए एक फ्रंट एंड पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा इसी चीज़ से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द डेटाबेस सिस्टम एंड व्हाट इज़ द RDBMS पैकेज। नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए नहीं, suppose that we are going to deal with a biometric system that uses thumb impression or employee authentication in the company। जैसे biometric system जो हमने यूज़ किया इसमें, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एम्प्लॉई अगर जाता है तो जैसे मान लो उसका बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि उसका अंगूठा लगता है अटेंडेंस के लिए, या एक अथेंटिकेशन हो, जैसे आप बैंक में जाओगे तो बैंक जो एम्प्लॉई हैं वो अथेंटिकेशन उसकी किससे होती है, बायोमेट्रिक से। तो ये जो उनके जितना भी डेटा स्टोर है ये कहाँ पर स्टोर है, जो भी बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो ये सारा डेटा जा करके एक डेटाबेस में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जैसे ही कोई भी यूज़र अपना ID डालता है एंड देन उसका थंब डालता है, तो बेसिकली वो डेटा आपके पास वहाँ से क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाता है। अलॉन्ग विद दोज इन्फॉर्मेशन वी आल्सो नीड टू स्टोर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज, ये सारी डिटेल उसके अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। मीन्स डेटा को एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में सेव करना, दैट इज कॉल्ड ए डेटाबेस। तो इसमें हम यूज़ करेंगे डाटा रेडुडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रेडुडेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा रिपीट होता चला जाता है, तो अब डेटा जो रिपीट होता है हम चाहते हैं कि वो डेटा रिपीट ना हो ताकि आपका स्पेस बेसिकली सेव हो सके। मतलब डाटा रेडिडेंसी क्या होता है कि जैसे मान लो एक ही फील्ड अलग अलग कॉलम, मान लो सपोज टेबल के अंदर है, तो अलग अलग टेबल में ना बना करके उसको एक ही टेबल में बनाया जाए, एंड देन उस डेटा को इन फ्यूचर मतलब जब भी आपको रिट्रीव करना है तो क्यूरीज की हेल्प से उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी मीन्स आपके ये जो फील्ड आपने बनाए हैं उसको आपके पास सेव करती है कि आपके पास बार बार वो फील्ड आपको इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उन्हीं फील्ड को बेसिकली क्या यूज़ कर सकते हैं, इन दूसरी क्यूरीज की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे सिंस द फाइल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स, जैसे अलग अलग प्रोग्रामर के थ्रू कोई भी प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, द वेरियस फाइल आर लाइक टू हैव डिफरेंट फॉर्मेट एंड द प्रोग्राम मे बी रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मानी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर। Moreover, the same information may be duplicate in several फाइल। तो वही क्या हो सकते हैं, बेसिकली बहुत सारी फाइल में डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय मे बी अपेयर इन डिफरेंट फाइल्स। जैसे कि बेसिकली एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अलग अलग शो हो सकते हैं अलग अलग फाइल के अंदर। तो डेटा रेडिडेंसी का मीनिंग क्या होता है कि वो बार बार आपको ना इंसर्ट करने पड़े। देखो, दिस काइंड ऑफ रेडिडेंसी लीड टू हायर स्टोरेज यूजेस। इन एडिशन इट में भी लीड ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटा गलत मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। मतलब डेटा एक बार डाला जाए, सही डाला जाए, और उसके बाद उस डेटा को बेसिकली अलग अलग कॉल किया जाए। तो डेटा रेडिडेंसी का मीनिंग समझ में आया कि बार बार फाइलों को आपको डेटा को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक फाइल में बनाया एंड देन डेटा यूज इन द डिफरेंट फाइल्स। नाउ डिफिकल्टी इन डेटा एक्सेसिंग। डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टीज होती हैं। एक्सेस करने का मीनिंग क्या होता है कि डेटा जहां पे भी रिक्वायर्ड होता है वहां पे डेटा को कॉल करना। देखो, सिंस द डेटा इन स्टोर इन मल्टीपल फाइल डिफिकल्टीज में बी अराइज इन एक्सेसिंग डेटा। मतलब अलग अलग फाइल में डेटा स्टोर हो गया, अब डिफिकल्टीज क्या है, डेटा को बेसिकली क्या करना, यूज करना, एक्सेस करना डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द कंपनी मैनेजर वॉन्ट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु लिव विद इन ए पार्टिकुलर पोस्टल कोड एरिया। मीन्स कोई एक स्पेसिफिक जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय का डेटा चाहता है एक स्पेसिफिक पोस्टल कोड के अकॉर्डिंगली। तो मीन्स उसको एक वैल्यू रिटर्न करनी है। द मैनेजर आस्क द डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट टू जनरेट सच ए लिस्ट। तो वो किससे पूछेगा, बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से। बिकॉज द डिजाइनर ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस रिक्वेस्ट, क्योंकि डिजाइनर के लिए ये चीज़ें जो ये क्यूरी है वो उसके लिए बेसिकली पॉसिबल नहीं है। देर इज नो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन हैंड टू मीट इट। द डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैज टू चॉइसेस, उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो वो सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को कलेक्ट करे एंड देन वो ऐसी क्यूरीज लिखेगा बेसिकली जिसके बेसिस पे वो क्या रिट्रीव कर सकते हैं वहाँ से, कि एक स्पेसिफिक पोस्टल कोड के अकॉर्डिंगली उसको रिटर्न आ जाएगा। सो दैट सच ए प्रोग्राम इज रिटर्न एंड दैट सेवरल डेज लेटर द सेम ऑफिसर नीड टू नेम दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। मतलब अब उसी एम्प्लॉय को अब दूसरा रिकॉर्ड चाहिए। तो ये जो रिट्रीव हो रहे हैं डेटा आपके पास, बेसिकली ये आप एक कमांड लिखी जाती है, उनके थ्रू आप डेटा को बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ डेटा। सिंस डेटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल, अलग अलग फाइल में डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट में है, तो रिटर्न न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम रिट्रीव द एप्लीकेशन डेटा इन इज डिफिकल्ट। तो उसमें बार बार प्रोग्राम को लिखना बेसिकली क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी का मतलब कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं, इस सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वैल्यूज इनपुट हो सकती हैं। देखो, द डाटा वैल्यू स्टोर इन डेटाबेस मस्ट बी सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, द एज ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी सेज ग्रेटर देन 20 ईयर एंड लेस देन 60 ईयर। मतलब इंटीग्रिटी का मीन कोई रूल बनाए जाते हैं कि जैसे जो एम्प्लॉय की एज है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए। सिस्टम प्रोग्राम एनफोर्स दीज कंस्टेंट बाय एडिंग अप्रोप्रिएट कोड इन द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे ताकि बेसिकली एक कंडीशन लगाई जा सके जिससे कि गलत डेटा इनपुट ना हो सके। ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम्स। लिंक एंड अदर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ए कंप्यूटर सिस्टम इज सब्जेक्ट टू फेलियर। जैसे कई बार अलग अलग डिवाइसेस पर जब आप कनेक्ट करते हैं तो कई बार वो क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट फेलियर हो जाता है। इट शुड बी दैट इफ द फेलियर ऑक्यूर्ड द डेटा शुड बी रिस्टोर टू कंसिस्टेंट स्टेट दैट एग्जिस्ट प्रीवियर टू द फेलियर। मतलब वो बेसिकली लिखा जाए कि डेटा किस बेस पे आपका कैंसिल हुआ या फेलियर हुआ है। कंसिडर ए प्रोग्राम दैट डिलीट एन एम्प्लॉय फ्रॉम द सिस्टम। जैसे कि मान लो कोई भी आपने डिलीट करना है डेटा को। इफ द सिस्टम फेलियर ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, अगर सिस्टम फेल हो गया, इट इज पॉसिबल दैट एम्प्लॉय डिटेल में नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द अदर फाइल। तो उसकी जो डिटेल है वो दूसरी फाइल से डिलीट ना हो। देखिए, डेटाबेस क्या है, बेसिकली आपस में सारी फाइलें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कमांड एग्जीक्यूट की तो कुछ फाइल उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है और कुछ में से डिलीट नहीं होता। तो ऑटोमेसिटी इज अ प्रोसेस है जिसके बेसिकली आपके अगर डिफिकल्टीज होती हैं, मतलब एक जगह से डेटा डिलीट हो गया तो दूसरी जगह से डेटा डिलीट या तो हो या फिर दोनों डेटा रिट्रीव हो सकें उसके अंदर। नेक्स्ट वन, कंकरेंट एक्सेस एनामल्स। कि आप डेटा को बेसिकली रिट्रीव कर सकें, कि एक्सेस कर सकें अलग अलग फाइल से। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा इश्यूज हैं क्योंकि डेटा को हाईली लेवल पे जो डेटाबेस में बंदे काम करते हैं उनका डेटा सिक्योरिटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपरली बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हो या एक हाई लेवल पे आपके पास ऑथेंटिकेट यूजर आईडी और क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। देखो, एवरी यूजर ऑफ द बायोमेट्रिक डेटाबेस सिस्टम शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस ऑल द डेटा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो सारा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देन आरडीबीएमएस प्रोवाइड ए सिक्योरिटी कोड की, आप जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या एक ऑथेंटिकेशन दें कि कौन एम्प्लॉय कितना डेटा आपके पास बेसिकली या क्या क्या कमांड उसमें एक्सेस कर सकता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालें। जैसे मान लो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, अब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास ऑल डेटा को एक्सेस करने की परमिशन होगी, वो डेटा ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। बट जो डिफरेंट यूजर्स हैं, जैसे मान लो कोई बंदा इंसर्ट करता है तो उसके पास इंसर्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये डेटा सिक्योरिटी से रिगार्डिंग है कि आप डेटा को बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो गए, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस पैकेज। तो फर्स्ट वन रिड्यूसिंग रेडुडेंसी, आपको समझ में आया पॉइंट। रेडुडेंसी का मीनिंग कि डेटा जो आपके पास रिपीट होता है टेबल के अंदर उसको रिपीट नहीं करना, एक ही बार डेटा यानी डुप्लीकेसी से बचाने के लिए बेसिकली आप किसका यूज कर सकते हैं, रेडुडेंसी का यूज करते हैं। डेटा शेयरिंग किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरडीबीएमएस में इसका यूजीसी तभी है जब डेटा बेसिकली क्या हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, कि एक जगह फाइल बनाई जाती है और मल्टीपल यूजर उस डेटा को अलग अलग ऑथेंटिकेशन लेवल पे क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली एक पॉइंट आता है जो आपके पास रूल से रिगार्डिंग है कि आप कोई भी रूल्स बना सकते हैं ताकि बेसिकली गलत रिकॉर्ड ना डाल सके, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना डाल सके। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि सिक्योरिटी एक जो भी ऑथेंटिकेट यूज़र होते हैं वही डेटा को यूज़ कर सके, उनको अलग अलग बेसिकली कोई भी कमांड यूज़ करने की सिक्योरिटीज दी जाती हैं कि कोई बंदा क्या क्या वर्किंग कर सकता है। डेटा कंसिस्टेंसी की आप बेसिकली डेटा को लगातार बेसिकली यूज़ कर सकें ताकि मतलब आपका जो स्पेस है उसको सेव किया जा सके। देन बैकअप एंड रिकवरी, डेटा का बैकअप लेना होता है प्रॉपरली कि ताकि अगर गलती से डेटा डिलीट भी हो जाए तो वहाँ से आप डेटा को रिकवर कर सकें। बैकअप का मीनिंग डेटा को एक जगह और स्टोर करके रखना, एंड जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है तो हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। डेटा ऑटोमेसिटी ये हमने पढ़ लिया ऊपर। तो स्टूडेंट दैट इज अवर यूनिट जो सेकंड हमने यूज़ किया था डेटाबेस से रिगार्डिंग। ये हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने डेटाबेस से रिगार्डिंग यूज़ किया कि व्हाट इज़ द डेटाबेस और डेटाबेस के आपके पास क्या क्या बेनिफिट हैं। देखो डेटाबेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डे टू डे एक्टिविटीज़। आज के दिन जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से यूज़ करें, इसको बेसिकली आप पढ़ें। दैट इज़ अवर सेशन नंबर First